देखो सपोज करो आपके पास दो स्लिट्स हैं और ये सपोज स्लिट्स का क्या है सेंटर है, ठीक है, ये स्लिट्स का सेंटर है। इमेजिन करो कि ये कोई डिस्टेंस है, ये भी कोई डिस्टेंस है, और क्योंकि आइडेंटिकल है तो जितना डिस्टेंस ये होगा इतना डिस्टेंस ये होगा। सपोज यहां से एक वेव निकली, कितनी, एक वेव, एक वेव का मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ, दो वेव और तीन वेव निकली, और ऑब्वियसली क्योंकि बराबर डिस्टेंस है तो यहां पर भी तीन वेव निकलेंगी, एक वेव, दो वेव और तीन वेव, ठीक है, यहां तक आइडेंटिकल वेव हो गई। अब क्योंकि वेव्स, वेव के अंदर इसे बोलते हैं कंप्लीट वेव, एक वेव का मतलब ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं वेवलेंथ, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं टू पाई, एंगल को बोलते हैं टू पाई। तो वेव की जो लेंथ है हम बोलते हैं पाथ कवर्ड, तो पाथ कवर्ड इज लैम्डा, और इस एंगल को एंगल नहीं बोलते, इस एंगल को क्या बोलते हैं फेस, तो फेस कवर्ड इज टू पाई, तो लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू टू पाई। तो अगर मैं ये रूल यहां लगाऊं कि सपोज करो ये तीन वेव्स हैं तो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितना है थ्री लैम्डा, तो मैं बोलूंगा कि पाथ कवर्ड कितना है थ्री लैम्डा। ऐसे नीचे भी तीन वेव्स हैं तो पाथ कवर्ड कितना है थ्री लैम्डा। तो यहां पर अगर मैं पूछूं पाथ डिफरेंस कितना है तो आप क्या बोलेंगे थ्री लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा कितना जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पाथ का डिफरेंस का मतलब दोनों की वेव के रास्ते का डिफरेंस इज जीरो। अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊं इसमें कैसे फेज डिफरेंस में, तो एक वेव का फेज क्या है टू पाई टू पाई टू पाई, कुल मिला के कितना हो गया सिक्स पाई, नीचे भी क्या हो गया सिक्स पाई, तो यहां पर फेज डिफरेंस क्या हो गया सिक्स पाई माइनस सिक्स पाई इज जीरो। तो एक चीज तो पक्की है कि अगर पाथ डिफरेंस जीरो फेज डिफरेंस जीरो तो सेंटर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर यहां ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ आ रहा है, तो आइडेंटिकल वेव्स हैं, तो ट्रफ और ट्रफ कभी भी आपस में कैंसिल नहीं करते, तो यहां पर कभी भी डार्कनेस का पॉइंट नहीं हो सकता। डार्कनेस तब होता है जब क्रेस्ट ट्रफ को कैंसिल कर दे और एम्पलीट्यूड क्या हो जाए नेट जीरो। तो यहां पर तो उल्टा डबल हो रहा है, एक क्रेस्ट पे या ट्रफ ट्रफ पे गिर रहा है, तो यहां पर ब्राइटनेस आएगी, तो ये पॉइंट किसका आएगा ब्राइटनेस का पॉइंट आएगा, और लाइट, मान लो ये लाइट है, लाइट इस तरीके से ट्रेवल करेगी, तो लाइट जब यहां पर ब्राइटनेस शो करेगी तो या तो इसको बोलते हैं कि ब्राइटनेस का पॉइंट आया, या इसको बोलते हैं ये पॉइंट किसका आया मैक्सिमा। तो ये पॉइंट किसका आया मैक्सिमा का पॉइंट आया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ब्राइटनेस या मैक्सिमा एक ही बात है। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल सपोज करो, मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं, और इस एग्जाम्पल के अंदर मान लो ये क्या है एक स्क्रीन है, तो लाइट यहां से यहां और यहां से यहां, ये देखो ऐसे, ठीक है, तो लाइट का जो पॉइंट है मैंने सेंटर पॉइंट लिया ही नहीं, मैंने पॉइंट ही ऊपर ले लिया। अब इस पॉइंट में ये एक वेव है, ये दो वेव है और ये तीन वेव्स हैं, राइट। अच्छा इधर देखते हैं, एक वेव है, दो वेव है, तीन वेव है और चार वेव है। अब नीचे वाली वेव ज़्यादा बड़ा रास्ता कवर करेगी एज कंपेयर टू ऊपर वाली वेव, मानते हो ये चीज। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ये तीन वेव्स हैं तो कितना लैम्डा हो गया थ्री लैम्डा, तो पाथ इज थ्री लैम्डा, पाथ इज फोर लैम्डा, क्योंकि चार वेव्स हैं, तो यहां पर पाथ डिफरेंस, पाथ का डिफरेंस बोलो क्या होगा फोर लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा कितना लैम्डा। क्लियर है यहां तक? और अगर फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, लैम्डा का मतलब होता है टू पाई, अपने मन में ना मल्टीप्लाई कर दो इसको, टू पाई कितना हो गया एट पाई, ऐसी थ्री इंटू टू पाई कितना हो गया सिक्स पाई। तो आप इसमें फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू कितना एट पाई माइनस सिक्स पाई कितना। वैसे ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसी में लैम्डा को रिप्लेस कर दें बाय, तो जरूरत क्या है टू पाई। तो एक पॉइंट क्लियर है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा या फेज डिफरेंस टू पाई तो ये पॉइंट भी मिनिमा का नहीं हो सकता, मिनिमा का मतलब है डार्कनेस, डार्कनेस का नहीं हो सकता, ब्राइटनेस का होगा, क्यों ट्रफ ट्रफ पे गिर रहा है, तो ये पॉइंट भी किसका आ गया ब्राइटनेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा सपोज करो मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, ये मान लो दो स्लिट्स हैं, फिर से ये स्क्रीन है, ये मान लो पी पॉइंट है जहां पर लाइट को मिलना है। सपोज करो एक वेव है, दो वेव है और तीन वेव है, ठीक हो गया। सपोज करो यहां पर एक वेव है,
दो वेव है, तीन वेव है, चार वेव है और पूरी पांच वेव है। तो फिर से ट्रफ ट्रफ पे गिरा। अब क्योंकि ये तीन वेव है तो कितने है, तीन लैम्डा, पांच वेव है तो पांच लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, कितना 2 लैम्डा। एंड फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू, अपने मन में काम करो, इसको अपने मन में 2 पाई ले लो, कितना हो गया 4 पाई। तो ये पॉइंट भी किसका आएगा, ब्राइटनेस का, सही है। तो ऐसा करने की बजाय हम ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में, कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है 0 है, या फिर लैम्ब्डा है, या फिर 2 लैम्ब्डा है, या फिर 3 लैम्ब्डा है, या फिर एन लैम्ब्डा है, तो पाथ डिफरेंस इन जनरल, पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर एन लैम्ब्डा है तो पॉइंट किसका आएगा, ब्राइटनेस का। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला कैसे बन के आया समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर फेज डिफरेंस की बात करते हो तो अपने मन में काम करो, लैम्डा की जगह 2 पाई n, वेयर n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 कुछ भी। और वैसे भी हमने कैलकुलेशन की कि अगर फेज डिफरेंस 0 है, या फिर फेज डिफरेंस 2 पाई है, या फेज डिफरेंस 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, तो यहां पर क्या आएगा, ब्राइटनेस। तो क्या ये कंडीशंस क्लियर हैं? तो अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है या पाथ डिफरेंस एन लैम्ब्डा है, तो ये पॉइंट किसके माने जाएंगे, ब्राइटनेस के। पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो हम ऐसे, ये तो मेरा देखने का तरीका है आपको बताने के लिए, पर आपको ऐसे देखना नहीं, आपको किताबें ऐसी समझाएंगी। तो ये कहां से आई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक उसी तरीके से सपोज करो आपके पास फिर से दो स्लिट्स हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक वेव है, ये दो वेव है और ये तीन वेव है, ये एक वेव है, ये दो वेव है, ये तीन वेव है, ये 3.5 वेव है, 3.5। अब मैंने क्या किया, पूरी वेव ली नहीं, आधा ही 3.5 लिया। अब बताओ इसका मतलब 3 लैम्डा। अब ये कितने लैम्डा हो गया, 3.5 लैम्डा। अच्छा 3.5 लैम्डा, यानी कि 7/2 लैम्डा। तो यहां पर अगर मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो 7 लैम्डा/2 में से क्या माइनस करना है, तो क्या डिफरेंस आएगा, तो क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहा है। तो ये पॉइंट किसका होगा, डार्कनेस का, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मिनिमा का पॉइंट होगा। क्लियर है यहां तक? और अगर मैं इसी में फेज डिफरेंस की बात करता हूं तो अपने मन में लैम्डा की जगह 2 पाई पुट कर दे तो आंसर क्या आएगा, तो पाई का मतलब, फेज डिफरेंस का मतलब वो पॉइंट किसका होगा, डार्कनेस का। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, सपोज ये आपके पास फिर से ये पॉइंट है, इस बार एक वेव, दो वेव और तीन वेव, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, 5.5 वेव, 5.5। तो अब तीन वेव का मतलब 3 लैम्डा, 5.5 लैम्डा, राइट। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा इसमें, देखो पाथ डिफरेंस क्या होगा, 5.5 लैम्डा माइनस कितना 3 लैम्डा, कितना आएगा 2 पॉइंट, ठीक हो गया यहां तक। और 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 लैम्डा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। तो ऐसे केस में फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 5/2 × 2π, कितना आ गया 5π। एक केस और भी हो सकता था इसमें, जब पाथ डिफरेंस क्या होता था, 3/2 लैम्डा, और फेज डिफरेंस क्या होता था, 3π, इससे पहले वाला केस। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरा पाथ डिफरेंस λ/2 हो, या 3 λ/2 हो, या 5 λ/2 हो, या इन जनरल 2n-1 × λ/2 हो, तो अगर मेरा पाथ डिफरेंस कितना 2n-1 × λ/2 हो, तो किसका पॉइंट आएगा, मिनिमा, ठीक है, डार्कनेस। और ऐसे ही फेज डिफरेंस में क्या आएगा, फेज डिफरेंस में 2n-1 λ की जगह
टू पाई बाय टू, तो क्या आएगा टू एन माइनस वन इन टू पाई। तो अगर फेज डिफरेंस टू एन माइनस वन पाई हो तो यानी कि पॉइंट किसका आएगा, डार्कनेस का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपकी बुक्स ये नहीं समझाएंगी, सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगी। पर समझ में आ रहा है कि कैसे होगा? तो पहला पॉइंट क्लियर है और लास्ट पॉइंट, इसके बाद ये क्लोज है अभी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। कि सपोज करो आपके पास ये लो, ये आपके पास एक वेव है, एक वेव दो वेव तीन वेव, एक वेव दो वेव तीन वेव और चार वेव। तो पहली क्वेश्चन में ये एंगल कितना है, थ्री वेव का मतलब सिक्स पाई और फोर वेव का मतलब एट पाई। तो ऊपर वाली इक्वेशन, मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो ऊपर वाली इक्वेशन ए साइन ऑफ कितना, सिक्स पाई, क्योंकि याद है पीरियोडिक मोशन में क्या होता था, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या होता था फेज, और यहां पर फेज कितना है सिक्स पाई। और नीचे वाली इक्वेशन की जो वेव की इक्वेशन है क्या बनेगी, ए साइन कितना एट पाई। समझ में आ रहा है यहां तक? नीचे वाली इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई तो कर ही सकते हैं, कैसे, सिक्स पाई प्लस टू पाई, ये स्टेप भी क्लियर है, ऐसे लिख दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इन जनरल कोई भी इक्वेशन वेव की ए साइन ओमेगा टी ओ, कुछ भी फेज होता है सिक्स पाई फोर पाई कुछ भी, और दूसरी इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो, जैसे इस क्वेश्चन में ओमेगा टी सिक्स पाई है, तो ओमेगा टी सिक्स पाई तो फाई कितना है टू पाई, फाई को क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो आपकी वेव ऑप्टिक्स की जो इक्वेशंस हैं, वेव ऑप्टिक्स की पहली लाइन स्टार्टिंग लाइन यहां से स्टार्ट होगी। ये पिछली कहानी तो मैंने बना के आपको सुनाई, वो सीधा स्टार्ट करेगा कि लेट अस सपोज देयर आर टू वेव्स हैविंग इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हैविंग इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब आपको ये हिस्ट्री पता है कि एक्चुअल में फेजेस पे कैसे काम करना है, कल को क्वेश्चन चेंज भी होता है, आपको मालूम है फेज पे कैसे काम करना है। समझ में आया यहां तक? तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे आपका वेव ऑप्टिक्स।